कालेबुङमा सामुदायिक पुलिसिङ र पुलिस आर्काइभको उद्घाटन समारोह भव्य रूपमा पालन गरिएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइजर वार ओभर दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्काउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. कालेबुङमा आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्पन्न भयो, जहाँ सामुदायिक पुलिसिङ कर्नर्स र कालेबुङ पुलिस आर्काइभको उद्घाटन गरिएको छ। कालेबुङ जिल्लाको थाना डाँडा क्षेत्रमा आयोजित यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथिका रूपमा जोइता बोस आइपिएस डिआइजी दार्जिलिङ रेन्ज उपस्थित थिइन् भने कालेबुङका जिल्लापाल बालासुब्रमण्यम टी आइएएस विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमको उद्घाटन कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक श्रीहरि पाण्डे आइपिएसको सक्रिय पहलमा भएको हो। उनले यो परियोजना सामुदायिक पुलिसिङको महत्त्वलाई अझ मजबुत पार्न र स्थानीय समुदायसँग सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्न उद्देश्य राखेको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त पुलिस कोनर्सले स्थानीय नागरिक र प्रहरी बीचको आपसी विश्वासलाई बलियो बनाउने र यसले कालिम्पोङको नागरिकहरूलाई थप सुरक्षित र सशक्त बनाउने अवसर दिनेछ। एक्चुअली आपको पता है क्या, जैसे थाना डरा में कम्युनिटी पुलिसिंग कॉर्नर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एक कालिम्पोंग पुलिस आर्काइव शुरू हुआ है। इसके पीछे इनिशिएटिव यही है और रीज़न यही है कि यहाँ पर देखिए, हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के साथ मिलकर जो यहाँ का जो समस्या है डे टू डे बेसिस में, क्योंकि क्या होता है कि जब कम्युनिटी जब बाहर निकलती है, काम करती है, लड़के आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी समस्याएँ समाज में आती हैं। वो NDPS के फॉर्म में हो, या रोड ट्रैफिक से रिलेटेड हो, या फिर वीमेन और चिल्ड्रन की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। इसमें जितना लोग अवेयर रहेंगे, जैसे साइबर क्राइम है, जितने अवेयर रहेंगे उतनी समस्याएं कम होंगी। तो हमने कम्युनिटी पुलिसिंग कॉर्नर से लोगों को इंगेज करके ये बताना चाहूँगा, कोई भी समस्या हो आप पुलिस के पास आएँ। और कॉर्नर में हमने एक ओपन लाइब्रेरी रखा है, तो जिसमें सीनियर सिटीजन, हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं वहाँ वेट करें, किताब पढ़ सकते हैं। सीनियर सिटीजन शाम को इकट्ठा हो गए वहाँ पर, गप कर सकते, किताब पढ़ सकते हैं। तो कम्युनिटी साथ में आए, और कोई समस्या हो पुलिस पास में है, थाना पीछे ही है, तो जब चाहे पुलिस से अपना बात बताएं, निडर होकर रहे। और एक इनिशिएटिव है ताकि कम्युनिटी और पुलिस के बीच जीते, और थोड़ा बहुत अगर कुछ रह भी गया है गैप, उसको हम लोग पूरा कर सकें। और जो आर्काइव्स है, ये तो एक पहल है कि भाई यहाँ का जो भी हिस्ट्री है, कल्चर है, या पुलिस का जो भी इतिहास है, उसको हम लोग प्रिजर्व करें। एट द सेम टाइम जो भी, क्योंकि हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनको उनके लिए भी एक सजेशन रहेगा कि वो जब भी आएँ तो एक बार कम्युनिटी, हम लोग का जो कालिम्पोंग पुलिस का जो आर्काइव्स है, वहाँ पर आके विजिट करें। और कम्युनिटी पुलिसिंग कॉर्नर एक अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है, तो आप लोग, हम ये चाहेंगे कि वो लोग जाके वहाँ सेल्फी लें, फोटो लें, और यहाँ आर्काइव्स में आए। और आपके माध्यम से बोलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और कोई समस्या हो तो हमें बताएं। इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है कम्युनिटी को लेकर, यहाँ जो दो नॉन मोनिट्री है, नॉन प्रॉफिटेबल है, कम्युनिटी को आपको ऐसे इंगेज कर रहे हैं, उसमें कोई पैसा प्रॉफिट वाला चीज़ें नहीं है, हम लोग उन्हीं को बेसिकली पहले वैसे प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ कम्युनिटी को इंगेज कर सके। और दूसरी चीज़ है कि जैसे आपको पता है कि इसका ग्रेविटी हम लोग प्रोग्राम का ऐसा रखें, आप देख रहे हैं कि कालिम्पोंग के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि DM साहब है, DM, और हमारी जो DIG मैम, जो DIG दार्जिलिंग में जोइता बोस मैम है, वो भी आई इस प्रोग्राम में। तो हम इसे पब्लिक को ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म कोई इंगेज, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप किसी कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं, जहाँ लोग इवनिंग टाइम में आके अपना कोई प्रोग्राम देखें, है ना, उस तरह कोई भी होगा तो हम लोग मोस्ट वेलकम है। हम लोग कोई वो अपने लोकल थाना में IC को लोग एप्लीकेशन करेंगे, हम लोग देख के उसको अलाउ करेंगे। समारोहमा जोइता बोस र जिल्लापाल बालासुब्रमण्यमले उक्त पहलको गहिरो सराहना गर्दै कालिम्पोङ पुलिसको समुदायसँगको सहकार्य र समर्पणलाई प्रशंसा गरेका छन्। उनका अनुसार सामुदायिक पुलिसले प्राय समस्याहरूको समाधान मात्र नगरी स्थानीय तहमा प्रहरीको भूमिका र पहुँचलाई थप सुदृढ बनाउन मदत पुर्याउनमा सहयोग गर्दछ। And also they are trying to make it very regular. And they think that ये बात जो museum type में थोड़ा एक visit करने के लिए करके रखा है, तो this please ये इसलिए
हॉस्पिटलमध्ये लोकल मेडिक वी शुड ऑल्सो नो लोकल पीपल शुड नो द कल्चर अँड हेरिटेज द पास्ट कल्चर अँड हेरिटेज सो अँड वी शुड बी टेकिंग इट टू द टूरिस्ट ऑल्सो सो लोकल हमारे टूरिज्म के लिए भी ये एंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है सो विथ ऑल दिस आई एम थैंकिंग अगेन एंड वी विल बी डेफिनेटली ट्राइंग टू पुल इन सम रिसोर्सेज और अनोखा इनसे भी कुछ मदद कर सकते हैं वी विल टच विद सी सर टू मेक इट एज अ कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल सक्सेस Thank you, sir, and thanks everyone. And the entire police team, they have made very well. Even as soon as told that even the drawings have been done, initiative of the police, the personnel, and all the decorations, everything has been done. So thank you, everyone. Thanks and all the best for everyone. And thank you, sir. I would say that it is a wonderful beginning. बहुत अच्छा हुआ है एंड ये जो हिस्ट्री को आर्काइव करना बेसिकली देखिए बहुत पुराना शहर है कलिंगा उसका बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है हम लोग का क्राइम रिलेटेड सब कुछ हिस्ट्री थाने में इतना दिन था बट अभी आम जनता के लिए फॉर द पब्लिक ऑफ कलिंगपोंग इट इज़ ओपन तो इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ मेनी मोर सच बेटर इनिशिएटिव्स ये पब्लिक के लिए बेटर रहेगा बहुत अच्छा रहेगा ये जैसे एक म्यूजियम टाइप का ही है ना जहाँ पे आके लोग देख पाएंगे कि क्राइम क्या था 1940s का क्या था 1950s का क्या था इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिश राज था तब यहाँ पे क्या क्या क्राइम्स थे कौन कौन गैंग्स था आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडुकेशनल ऑल्सो सो जिला हैज डन द एसपी हैज डन अ ग्रेट जॉब आई कंग्रेचुलेट थैंक यू उक्त सामुदायिक पुलिसिङ कर्नर्समा विभिन्न विधाका पुस्तकहरू समेत राखिएका छन् जसले प्रहरी र नागरिकका बीच शिक्षा र संवादको नयाँ ढङ्गमा प्रस्तुत गर्दछ यसका साथै कालेबुङ पुलिस आकाइभको उद्घाटन पनि गरिएको छ यो आकाइभ कालेबुङको पौराणिक इतिहाससँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू र वस्तुहरू राख्ने स्थानको रूपमा विकसित गरिएको छ आकाइभमा महारानी भिक्टोरियाको मूर्तिसहित विभिन्न ऐतिहासिक सामग्रीहरूको संरक्षण गरिएको छ जसले कालेबुङको सांस्कृतिक धरोहरलाई सञ्जोय राख्न मद्दत पुर्याउनेछ यो उद्घाटन समारोह कालेबुङका लागि एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन साबित भएको छ जहाँ प्रहरी र समुदाय बीचको सशक्त साझेदारीले सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिको नयाँ आयामको सुरुवात गरेको छ Special attraction of the archive is the bust of Queen Victoria, set up at Kalimpong in the year 1902, restored in the year 2020 by the then IC Kalimpong, Sri Sanjay Ghosh. जिल्ला पुलिस अधीक्षकको अधिकारीबाट यो गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिँदै र पुलिसको बिहाफबाट हाम्रो डिएसपी हेड क्वार्टर श्री भानु राईले यो अवार्ड दिनुहुँदैछ बेस्ट अवेरनेस क्याम्पेन अन सेफ राइट सेभ लाइफ नवज्योति युवा सङ्घ श्रीमाली गोरुबथान नवज्योति युवा सङ्घ जो पूजा कमिटी थियो उसलाई पनि तेस्रो पुरस्कार रूपमा ट्रफी अनि नगद पुरस्कार कालेबुङ एसपी श्री हरि पाण्डेको बाहुलीबाट हस्तान्तरण गरेको गरिँदै नवज्योति युवा सन्तान प्राप्तिमा यो फर्टिलिटी सम्बन्धित कुनै पनि समस्याको निवारण हुने असल उपाय हो आइभीएफ अनि टेस्ट ट्युब बेबी
यसको निम्ति तपाईँलाई अब जहाँ तहाँ भौतारी रहनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। यसको हल गर्न तपाईँलाई सन्तान प्राप्तिको खुसी दिन सिलगढीमै बसेकी छिन् सिनियर अनि एक्सपिरियन्स्ड आइबिएफ स्पेसलिस्ट डाक्टर यामिनी अग्रवाल, एमबिबिएस एमएस ओबिजी फेलोसिप इन रिप्रोडक्टिभ मेडिसिन। आजसम्म डाक्टर यामिनी अग्रवालको हातबाट धेरै परिवारहरूलाई सन्तान प्राप्त भएको छ। त्यसैले अब सोझो सम्पर्क गर्नुहोस् आइबिएफ अनि टेस्ट ट्युब बेबीको निम्ति सिनियर अनि एक्सपिरियन्स आइबिएफ स्पेसलिस्ट डाक्टर यामिनी अग्रवाल, नोभा आइबिएफ फर्टिलिटी सेन्टर, सिटी सेन्टर, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 8436307338।